मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का आज हर कोई फैन है। 2008 में बनी फिल्म आयरन मैन से लेकर अवेंजर्स एंडगेम तक इनकी 22 मूवीज सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर रही हैं। अवेंजर्स एंडगेम 2.80 बिलियन डॉलर्स की कमाई के साथ दुनिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन गई है। इंडिया में भी एमसीयू की ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि पूरी दुनिया के दिलों पर राज करने वाले ये एक्टर्स कितना कमाते हैं? अवेंजर टीम में सबसे महंगा एक्टर कौन है और सबसे कम पैसे किसको मिलते हैं? इस वीडियो में मैं आपको सभी अवेंजर्स की मूवी फीस बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि फ्यूचर वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। रॉबर्ट डोनी जूनियर। दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए आपको पहले ही बता देते हैं कि सबसे महंगा एक्टर आयरन मैन है। कुछ लोगों ने कैप्टन अमेरिका और कुछ लोगों ने थॉर को सबसे महंगा एक्टर सोचा होगा, लेकिन अवेंजर्स का लीड एक्टर आयरन मैन है। रॉबर्ट डोनी जूनियर की 2008 में पहली एमसीयू फिल्म आयरन मैन के लिए उन्हें $5 लाख मिले थे और एंडगेम मूवी से उन्हें टोटल 75 मिलियन डॉलर्स की कमाई हुई थी, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से 524 करोड़ बनते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट डोनी एमसीयू के सबसे महंगे एक्टर हैं, बाकी सभी तो इनके आसपास भी नहीं हैं। स्कारलेट जॉनसन नताशा। स्कारलेट जॉनसन अवेंजर टीम की दूसरी सबसे महंगी एक्ट्रेस है। आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में थॉर और कैप्टन अमेरिका का नाम ही आया होगा, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों की मूवी फीस ब्लैक विडो से कम है। स्कारलेट को द अवेंजर्स मूवी के लिए 15 मिलियन, एज ऑफ अल्ट्रॉन के लिए 20 मिलियन और अवेंजर्स एंड गेम मूवी के लिए $35 मिलियन की फीस दी गई थी। क्रिस एवंस कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका का रोल निभाने वाले क्रिस एवंस की पहली एमसीयू मूवी 2011 में आई थी। कैप्टन अमेरिका अवेंजर्स टीम के कैप्टन हैं और पहले अवेंजर माने जाते हैं। 2011 में आई कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर के लिए क्रिस एवंस को $1 मिलियन मिले थे और अवेंजर्स एंडगेम से उन्हें $15 मिलियन की कमाई हुई थी। एंडगेम से पहले आई इन्फिनिटी वॉर मूवी के लिए भी क्रिस को $15 मिलियन ही मिले थे। क्रिस हेम्सवर्थ थॉर। क्रिस हेम्सवर्थ को 2011 में आई थॉर मूवी के लिए सिर्फ $1.5 लाख ही मिले थे। 2018 में रिलीज हुई अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी से क्रिस को $15 मिलियन की कमाई हुई और 2019 में आई अवेंजर्स एंडगेम मूवी के लिए भी उन्हें $15 मिलियन ही मिले थे। कैप्टन अमेरिका और थॉर की इनकम लगभग सेम ही है। दोस्तों, रॉबर्ट डोनी जूनियर की मूवी फीस भले ही ज़्यादा है, लेकिन फैन फॉलोइंग के मामले में थॉर द बाहुबली अवेंजर किसी से कम नहीं है। मार्क रुफेलो हल्क। अवेंजर्स टीम में हल्क भी मेन रोल प्ले करते हैं। मार्क रुफेलो को द इनक्रेडिबल हल्क से $2 मिलियन और अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के लिए $2.8 मिलियन मिले थे। 2018 में आई अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी से मार्क को $6 मिलियन की कमाई हुई थी। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हल्क की जगह ब्रूस बैनर को दिखाया गया था, शायद इसी वजह से मार्क की मूवी फीस कम थी। बेनेडिक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज। बेनेडिक्ट ने एमसीयू करियर की शुरुआत डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी से की थी। ये मूवी जादूगरी की एक अनोखी कल्पना थी जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया और ये मूवी सुपरहिट रही। बेनेडिक्ट ने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में महान जादूगर का रोल निभाया जो अनंत मणि को धारण कर सकता था। बेनेडिक्ट को डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के लिए $2.3 मिलियन और इन्फिनिटी वॉर के लिए $5.1 मिलियन की फीस दी गई थी। जेरेमी रेनर क्लिंट। जेरेमी रेनर ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और अवेंजर सीरीज में बहुत कमाल के रोल किए हैं। जेरेमी को द अवेंजर्स मूवी के लिए $3 मिलियन, एज ऑफ अल्ट्रॉन के लिए $6.1 बिलियन की फीस दी गई थी। ब्राई लैर्सन कैप्टन मार्वल। ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी ब्राई लैर्सन ने कैप्टन मार्वल मूवी से एमसीयू करियर की शुरुआत की थी। इस मूवी से ब्राई लैर्सन को $5 मिलियन की कमाई हुई थी। अवेंजर्स एंडगेम मूवी में जब आधे से ज़्यादा अवेंजर्स गायब हो गए थे तो कैप्टन मार्वल ने अवेंजर्स टीम का साथ देकर मेन रोल प्ले किया था। चैडविक बोसमैन ब्लैक पैंथर।
चैडविक की 2017 में ब्लैक पैंथर पहली एमसीयू मूवी थी जिसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इस मूवी ने $1 बिलियन से ज़्यादा कमाई की थी। चैडविक को ब्लैक पैंथर मूवी के लिए $2 मिलियन दिए गए थे। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में वकांडा वासियों का मेन रोल दिखाया गया है। इन्फिनिटी वॉर मूवी के लिए चैडविक को $8 मिलियन की फीस दी गई थी। क्रिस प्राट स्टार लॉर्ड। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी सीरीज के लीड एक्टर क्रिस प्राट की पहली मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 से उन्हें $1.5 मिलियन की इनकम हुई थी। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में क्रिस और उनके साथियों ने भी अवेंजर्स टीम का साथ दिया था। क्रिस को अवेंजर्स एंडगेम मूवी के लिए $5 मिलियन की फीस दी गई थी। टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन बच्चों का फेवरेट करेक्टर है। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन मूवी के अलावा कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंडगेम मूवी में काम किया है। टॉम हॉलैंड को कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में एक छोटे से रोल के लिए $2.5 लाख मिले थे और अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में टॉम को $3 मिलियन की फीस दी गई थी। पॉल बिटैनी विजन। पॉल बिटैनी ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में विजन का रोल निभाया था। विजन जार्विस का अपडेटेड वर्जन है जिसे टोनी और बैनर ने बनाया था। पॉल बिटैनी को एज ऑफ अल्ट्रॉन के लिए $1 लाख, कैप्टन अमेरिका के लिए $5 लाख और इन्फिनिटी वॉर मूवी के लिए $5 मिलियन की फीस दी गई थी। दोस्तों ये थी अवेंजर सुपर हीरोज की मूवी फीस। अगर आप थाइनोस, हेला और लोकी जैसे विलन टाइप लोगों की मूवी फीस जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और जाते जाते वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर मार दें।